हेलो दोस्तों, जेपी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी अभी दो दो न्यू नोटिस जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो दो न्यू नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नंबर वन ये नोटिस जारी हुआ है, ये नंबर वन नोटिस है, और नंबर टू नोटिस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये दो दो न्यू नोटिस जारी हुआ है जेपी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, एक एक करके सारी जानकारी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर न्यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, बगल में घंटी का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी दबा दीजिए कि आने वाली पल पल की अपडेट जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों हमने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक बना रखा है, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पढ़कर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि नंबर वन नोटिस में पढ़कर बताऊंगा, फिर सेकंड वाला यानी दूसरा नोटिस फिर बाद में पढ़कर बताऊंगा। तो इसमें इस वीडियो में दोनों नोटिस पढ़कर बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, साफ दिख रहा है, आज ऑनर्स ऑनर्स पेपर का अंतिम दिन, एक से होगी प्रैक्टिकल की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आज ऑनर्स पेपर का अंतिम दिन है, एक तारीख से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आज ऑनर्स में 14 विषयों की होगी परीक्षा। विश्वविद्यालय के कॉलेजों में गुरुवार को स्नातक फाइनल ईयर 17/2020 की परीक्षा सख्ती से बीच ली गई है। कमला राय कॉलेज व महेंद्र महिला कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर ऑनर्स व 9 विषयों की परीक्षा दो पालियों में हुई है। परीक्षा शुरू होते ही केंद्र अधीक्षक सह प्राचार्य डॉक्टर किरण कुमारी व कमला राय के कॉलेज में डॉक्टर रुखसाना खातून ने जांच शुरू कर दी है। जांच से परीक्षार्थियों में हड़कंप मच रहा है, और कमला राय कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रुखसाना खातून ने बताया कि प्रथम पाली में ऑनर्स ग्रुप सी में शामिल जूलॉजी, जियोग्राफी, होम साइंस, केमिस्ट्री व IFF की परीक्षा ली गई है। वहीं दूसरी पाली में ग्रुप डी में शामिल फिजिक्स, बॉटनी जी हाँ दोस्तों बॉटनी, साइकोलॉजी व म्यूजिक विषय की परीक्षा ली गई है। वहीं जनरल विषयों में प्रथम पाली में साइकोलॉजी व दूसरे पाली में मैथमेटिक्स व म्यूजिक की परीक्षा ली गई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को ऑनर्स पेपर का अंतिम दिन प्रथम पाली ग्रुप ए में शामिल इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, रूरल इकोनॉमिक, उर्दू, हिस्ट्री, AIH एंड सी तथा दूसरी पाली में ग्रुप बी में शामिल कॉमर्स, संस्कृत, हिंदी, फिलॉसफी, भोजपुरी में भोजपुरी, मैथ व पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा ली गई है। इसी के साथ ऑनर्स पेपर की परीक्षा खत्म हो जाएगी। वहीं जर्नल विषय की परीक्षा प्रथम पाली में लैंग्वेज लिटरेचर पार्सन व दूसरी पाली में पॉलिटिकल साइंस की ली जाएगी। वहीं 25 सितंबर से प्रथम पाली में जर्नल एनवायरमेंट, जी हाँ दोस्तों एनवायरमेंट स्टडी की परीक्षा स्नातक कला के छात्रों को ली जाएगी। दोस्तों साफ तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल का परीक्षा 1 तारीख से स्टार्ट है और 10 तारीख तक आप लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ी खबर है। यहाँ पर दूसरी खबर देख लीजिए, पीजी 17/2018-20 में कला, जी हाँ सॉरी दोस्तों, पीजी 17/2018-20 में कल से 27 तक फॉर्म भरने को मिला है अवसर। जी हाँ, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर 2018-20 के वैसे छात्र छात्राएं जो निर्धारित तिथि तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके हैं, उन्हें 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक यानी सितंबर 27 सितंबर तक फॉर्म भरने का एक और मौका, मतलब अवसर मिल रहा है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस सत्र के छात्रों को 200 रुपये विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। प्रविदित हो कि पीजी के इस सत्र के नियम नामांकित जो छात्र हैं, परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। हालांकि कई छात्र छात्राएं निर्धारित तिथि तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जिनका फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है। अब डेट जो है 27 तारीख तक रखा गया है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, अब यहाँ पर जान लेते हैं निर्धारित शुल्क के साथ आज तक भरा जाएगा फॉर्म। पर देखिए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पीजी कॉलेजों व जेपीयू के पीजी विभागों में फर्स्ट सेमेस्टर 2019-21 का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज तक है, इसके बाद 25 को 200 रुपये के विलंब शुल्क के साथ फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। जिन विषयों में प्रायोगिक होती है उसमें 900 रुपये शुल्क लिए जाएंगे, उन्हें
वहीं जिन विषयों में सिर्फ सैद्धांतिक पत्रों की परीक्षा होती है उन्हें 700 रुपये उनमें शुल्क लिया जाएगा। तो दोस्तों आज लास्ट डेट है, भर लीजिए फटाफट। चलिए अब यहाँ पर मैं दूसरी खबर बता देता हूँ आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट्स को बता दूँ कि एग्जाम अलर्ट, दो केंद्रों पर ली गई 9 विषयों की परीक्षा, केंद्र अधीक्षक ने की जाँच। ठीक है, अब दूसरी खबर चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरी खबर है, बीए पार्ट वन में नामांकन के लिए सेकंड लिस्ट जारी होने का इंतजार स्टूडेंट्स का चल रहा है जोरों से। 2 सप्ताह पहले ही लिया जा चुका है फर्स्ट लिस्ट के छात्रों का नामांकन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत व संबंध कॉलेजों में स्नातक पार्ट वन में नामांकन के लिए छात्रों को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय ने सेकंड लिस्ट जारी नहीं किया है। DSW प्रो AK झा ने बताया कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नामांकन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद कई कॉलेजों को पोर्टल पर नामांकन छात्रों की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित तिथि तक कुछ कॉलेजों ने पोर्टल पर आंकड़ा अपलोड नहीं किया था। ऐसे में लिस्ट जारी होने करने में देरी है। अगले सप्ताह तक वेबसाइट पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। चूंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट नामांकित छात्रों का वर्ग संचालन भी हो रहा है, ऐसे में जो छात्र छात्राएं अब तक नामांकन से वंचित हैं उन्हें नामांकन के साथ क्लास करने की भी चिंता है। विश्वविद्यालय सेकंड लिस्ट जारी करने की जितनी देरी करेगा उतना ही छात्रों का वर्ग संचालन प्रभावित होगा। फर्स्ट लिस्ट में शामिल कई छात्रों ने नहीं लिया नामांकन। विभिन्न कॉलेजों में से प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल लगभग 30% छात्रों को नामांकन नहीं लिया गया है। विश्वविद्यालय ने पूर्व में ही गाइडलाइन जारी किया गया था, छात्र छात्राएं प्रथम मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। यदि उन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना नामांकन नहीं लिया तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में यदि सेकंड लिस्ट तैयार होता है तो वैसे छात्र जो कम अंक प्राप्त करें के कारण या किसी अन्य त्रुटि के कारण लिस्ट में शामिल नहीं हो सके थे उन्हें नामांकन का अवसर मिल सकता है। जानकारी के अनुसार शहर के PC विज्ञान कॉलेज, राम जयपाल कॉलेज और जगदम कॉलेज, राजेंद्र कॉलेज यदि इसमें प्रथम मेरिट लिस्ट में नामांकन पूरे होने के बाद भी कई विषयों में करीब 200 सीटें बची हुई है, इसमें 31,264 सीटों पर होगा नामांकन। JPU के विभिन्न कॉलेजों में कला, विज्ञान और वाणिज्य के अंतर्गत शामिल विषयों में देखिए जितने भी छात्र हैं कॉलेजों में चल रही है नए सत्र की कक्षाएँ। ठीक है, 21-24 में फर्स्ट लिस्ट के तहत नामांकन छात्रों की कक्षाएँ शुरू है। सभी कॉलेजों में वर्ग संचालन का शेड्यूल तैयार किया जा चुका है। फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत नामांकन छात्र छात्राएं कॉलेज अपने विभागों से वर्ग संचालन का शेड्यूल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना है, 3-4 दिन में आप लोगों का जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर में। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। वीडियो कैसी रही कमेंट सेशन में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास सभी जगह फटाफट। चैनल पर न्यू जरा सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली पूरी जानकारी पल पल के अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।